हेलो फ्रेंड्स, हम सभी ने शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, रमेश दमानी, पराग पारिक जैसे बड़े और सफल इन्वेस्टर्स का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये सभी लोग अपना गुरु या गॉडफादर किसे मानते हैं? आज के वीडियो में हम भारतीय शेयर मार्केट के गॉडफादर और पहले वैल्यू इन्वेस्टर चंद्रकांत संपत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जानने से पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकांत संपत ने शेयर मार्केट में 1955 यानी कि 1955 में अपने फैमिली बिजनेस के बंद होने के बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। चंद्रकांत संपत किसी शेयर को खरीद लेते तो उसे सालों तक नहीं बेचते थे। ये उनके मार्केट में कठोर डिसिप्लिन को दिखाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट मल्टीनेशनल कंपनियों में कमाया। जब 1970 यानी कि 1970 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ, तब सभी विदेशी कंपनियां जो भारत में बिजनेस कर रही थी उनको अपने शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर लिस्ट करवाने पड़े। इस मौके का चंद्रकांत संपत ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। उन्होंने जिलेट, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर में उस टाइम इन्वेस्ट किया जब ये कंपनियां मार्केट में बड़ी और पॉपुलर नहीं थी। चंद्रकांत संपत किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बहुत ज्यादा कठोर क्राइटेरिया पर चेक करते थे। उन्हें वो कंपनियां बहुत ज्यादा पसंद होती थी जिनके पास विजन होता है। उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर शामिल होते थे जो कि उनके क्राइटेरिया पर खरे उतरते थे। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल हल्का सा ऊपर नीचे होता था तो वो उसे बेचने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। चंद्रकांत संपत की सोच को गहराई से जिस आदमी ने प्रभावित किया वो अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेटर और ऑथर पीटर एफ ड्रकर थे। ड्रकर को द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। चंद्रकांत संपत अक्सर उनका जिक्र करते थे और वो उन्हीं के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते थे जिन्हें ड्रकर ने एस्टैब्लिश किया था। ड्रकर के प्रिंसिपल का हवाला देते हुए एक बार संपत ने कहा था, अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं जिससे ना तो कोई इनोवेशन हो और साथ ही इकोनॉमी को नुकसान हो तो वो कमाई सही नहीं है, बल्कि इसे वो पैसे का विनाश कहते थे। दूसरी ओर अगर हम देश के रिसोर्सेज की डेवलपमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सच्चा प्रॉफिट है। चंद्रकांत संपत लाइफ के सभी पहलुओं में डिसिप्लिन बनाए रखने में विश्वास करते थे। वो हाजी अली से मरीन ड्राइव में अपने घर तक हर दिन लगभग 7 किलोमीटर की जॉगिंग करते थे। मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी बहुत ही सिंपल यानी कि साधारण लाइफस्टाइल अपनाते थे। कई बार तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो दोस्तों, अब चंद्रकांत संपत के इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं। चंद्रकांत संपत की स्टॉक मार्केट में हाई सक्सेस रेट का सबसे बड़ा कारण था कि वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरह से देखते थे। यहाँ तक कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को रिलीजियसली फॉलो करते थे जिससे उन्हें बड़े डिसीजंस लेने और अपने साथियों से आगे रहने में मदद मिलती थी। आज के बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी मल्टी बैगर पोर्टफोलियोज बनाने के लिए उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहली है नंबर 1, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद लिटिल डेब्ट। एक वैल्यू इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के नाते वो फ्री कैश फ्लो और लंबी उम्र वाले बिजनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनके अनुसार केवल उन्हीं व्यवसायों यानी कि कारोबारों में ही निवेश करें जिसको आप समझते हैं और जिस पर या तो कर्ज ना हो या बहुत कम कर्ज हो। साथ ही कंपनी का पीई 15 यानी कि पीई 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पिक गुड मैनेजमेंट विद शेयर प्राइसेस एट 10 ईयर ओल्ड। चंद्रकांत संपत के अनुसार इन्वेस्टर्स को अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियों में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब कंपनी के शेयर की कीमतें 8 से 10 सालों के निचले स्तर पर हों। संपत FMCG स्टॉक्स को बहुत पसंद करते थे। वो कम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनियों में पैसा लगाने की सलाह देते थे। चंद्रकांत संपत बहुत सरल भाषा में कहते थे, मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका बिजनेस मॉडल कोई मूर्ख भी समझ सकता है। नंबर 3, कीप एक्सपेंसेस लो। चंद्रकांत संपत निवेशकों को यही सलाह देते थे कि जितने हो सके अपने खर्च कम करो, साथ ही सीमित कंपनियों में निवेश करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर विश्वास रखो। तो दोस्तों, ये थी चंद्रकांत संपत के बारे में कुछ बहुत ही काम की बातें। शेयर बाजार का गहरा अनुभव रखने वाले और भारत के पहले वैल्यू इन्वेस्टर चंद्रकांत संपत का 86 की उम्र में मुंबई में 2015 में निधन हो गया। तो वीडियो पसंद आया
लाइक जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।